तो भाई अभी दे रहा आपको मैं क्विक रूम टूर और रूम है, इधर आते हैं भाई। ये हमारा जो होटल है शुग्रान में है, जो कि हमने सिर्फ 4,000 रुपए में लिया है, और इससे तो अच्छा होटल आपको नहीं मिलेगा। हेलो दिस मी एंड आई एम दर्शन, और आप देख रहे हैं। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हम जा रहे हैं शुग्रान। तो बस अभी गाड़ी का पेट्रोल है, गाड़ी आएगी तो कुछ चलते हैं। और ये मेरे पूरे आउटफिट है, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक पैंट एंड ब्लैक शूज। तो इसी आउटफिट में हम लोग जाने वाले शुग्रान। तो अभी गाड़ी का पेट्रोल, गाड़ी ऐसी आती है वैसे लेते हैं। और अभी बिल्कुल इतनी खतरनाक वाली नींद आती है, क्योंकि मैं पूरी रात को सिर्फ 2 घंटे सोया हूँ, पूरे 2 घंटे सोया हूँ। तो गाड़ी में नींद पूरी करेंगे फिलहाल। शायद शुग्रान का 2-3 घंटे का रास्ता है, और हमारे यहाँ जो रूम से व्यू है उस आज मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े प्यारे व्यू है। यहाँ पर भी चेक करेंगे सब, ये सेंटर स्मॉल जीरा, और पीछे सारे माउंटेन नज़र आ रहे हैं। बैग में रेडी हो गया, गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी में करते हैं बैठते हैं। गाड़ी में बैठते हैं, फिर आप लोगों को देखते हैं, जो भी सीन होता है आप लोगों को शेयर करेंगे। बस चलते हैं, बस गाड़ी मुझे पड़ी है। सामान वामान यहाँ पर रख दिया, बस गाड़ी को बुला रहे हैं, गाड़ी इधर आ जाए और मेन पे, फिर गाड़ी में सामान रखते हैं, फिर चलो तो निकलना है। और देर मैं दूंगा सर, मैंने कुछ चुभेगा नहीं, अब उठने अरे पानी भर रहा है यहाँ पे। आए एक सेकंड, ये फोल्ड करूं। ओह मजा आ गया। अबे ऊपर कैसे चढ़े हैं यार, अबे मजाक चढ़ के, इतना ठंडा पानी है, इतना ठंडा पानी में क्या बताऊं तुम्हें। ले आऊंगा किसी वाटर प्रूफ है। वैसे जो बात है, बड़ी मजे की जगह है यहाँ पे, पता है हाँ पिक्चर लेनी। तो भाई अभी हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया, कढ़ाई ऑर्डर की अभी, फिर यहाँ पे पिक्चर से रहे हैं। यहाँ पे पानी है बट ठंडा, इतना यख पानी हो रहा है, क्या बताऊँ। हाँ हाँ, तो अब नीचे कैसे उतरेंगे अगर बेटा, तो फिर रास्ते में हम लोगों ने लेंथ स्लाइडिंग देखी। तो अगर आप लोग आएंगे तो आप लोग देख के आएगा, बारिश अगर हो तो नहीं आएगा इस जगह पे, क्योंकि लेंथ स्लाइडिंग की वजह से पत्थर पत्थर आते हैं, ये तो पूरा ट्री नीचे गिर गया। तो थोड़ा सा केयरफुल रहने का और मौसम को देख के आगे बढ़ा करें, क्योंकि बारिश होती है ना तो लेंथ स्लाइडिंग बहुत होती है। हम शुग्रान में होटल सर्च कर रहे थे, तो हम जाके पूछ रहे थे कि हम क्या रूम चेक कर रहे थे। तो हमने 2-3 रूम देखे, होटल देखे, तो हमें वो पसंद आया। हम एक होटल हमें पसंद आया, हम उसमें रुके, उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी थी। वो व्यू चेक करो यार, मजाक चढ़ के दिल आ रहा है। रात में बादल सारे नीचे आ जाएंगे, यहाँ करूँगा तो सेटअप बताओ।
काक सच की यार एक्वा से ज़्यादा अच्छी ऑफरोडिंग कर रही है, झूठ नहीं बोल रहा। अभी बस सामान वामान लेके आ रहे हैं और होटल में बस चेक इन कर रहे हैं, फिर देखेंगे कल का भी क्या सीन होता है। अगर मौसम अच्छा हुआ, मौसम तो खैर अच्छा ही मिलेगा, अभी तो थोड़ी सी धूप है बट क्लाउडी हो रहा है मौसम। अभी मैं आपको अच्छा खासा व्यू दिखा दूँ, हमारे जो कमरे से व्यू है ना बिल्कुल एंड नेक्स्ट लेवल व्यू है भाई यार इसको। तो भाई अभी दे रहा हूँ आपको मैं क्विक रूम टूर और यहाँ पे मैं अपना बैठा हूँ यार, मेरे बाल खराब हो रहा है। तो एनीवे अभी मेरे क्लास का है जो कोई भी, एनीवेज भाई मैं आपको अभी बड़े मज़े का व्यू दिखाने वाला हूँ सामने ही देखें। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे माउंटेन नज़र आ रहे थे, अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। खैर आप लोगों को रूम टूर देते हैं, 201 रूम टूर रूम है, यहाँ पर आते हैं सर लिविंग रूम में बैठ के, टीवी यहाँ पर नहीं दिया हुआ, यहाँ पर खराब हमारे बैग वगैरह रखे हैं। फिर इधर आते हैं, इधर एक बेड है, इधर एक बेड है, एक हाय गाइस एक मैट्रेस आएगा। हमें नहीं ले रहे, ले रहा हूँ ना। अच्छा हम ही है, हम ही है ना भाई। इधर इधर दिखाओ, ऐसे करके दिखाऊंगा ना, क्या दिखाऊंगा क्या दिखाऊं भाई। ये हमारा जो होटल है शुगरान में है जो कि हमें सिर्फ 4,000 रुपए में लिया है और इससे अच्छा होटल आपको नहीं मिलेगा। 4,000 और दो पप्पियां इसकी। बाहर का व्यू तो दिखाओ, अबे दिखा दिखा के थक गया मैं व्यू। अच्छा यार सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, मुझे होटल का नाम यार से पूछना, मैं अच्छा कर रहा हूं। अच्छा होटल है, नाम मैं बता दूंगा, होटल का नाम हम आपको बता देंगे, ये सस्ते में बढ़ जाना। देखने में प्यारा लग रहा हूं ये तो, ये बताएंगे ना प्यारे लग रहे हो, नंबर भी मेंशन कर देना, नंबर बस कर दो, कोई भी नहीं देखे, कोई भी एंटी कोई भी जो है वो यहां पे नंबर कर ले, कांटेक्ट कर ले, कॉल करते कम ही है इसके पास। शर्म आ रही है मुझे, लॉस में आता है। तो भाई अभी तैयार व्यार होकर आ चुके हैं क्योंकि अभी एक शूट करना है हमें। तो फिलहाल तो मैं आपको मैं एक बड़ी मज़े की चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए बादल आ चुके हैं नीचे और मौसम चेक करो, सामने माउंटेन भी नज़र आ रहे थे हल्के फुल्के, वो भी अब नज़र नहीं आ रहे। तो मैं भी आपको पूरा अपने आप को दिखाता हूँ, मैं इतना मुझे खैर आप कमेंट में बताएं मैं किस तरीके का लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ बट वो लोग आप बताएंगे, आप डिसाइड करें कि मैं अच्छा लग रहा हूँ नहीं लग रहा। तो ये रहा मेरा गेटअप पूरा, ये कुछ भी नहीं करा बस, ये पहले सर्दी हो रही है जो बात है, मुझे अभी आई थिंक टेम्परेचर हो गया होगा जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तो अभी उस वक्त टेम्परेचर है 30, अब हो गया होगा 20 तो हो गया होगा 17-16। टेम्परेचर क्या चल रहा होगा अभी? 22 हो रहा है अभी, अंदाज़ा थोड़ा सा गलत था बट सही था। अरे रेडी है सब, अरे यार अभी फ़ोटोशूट कम्प्लीट हो गया, अब मैंने फोटोशूट जैसे कंप्लीट हुआ मैंने देखा साइड पे बादल बादल आ रहे हैं, बिल्कुल फाइनल सेटअप बना, मतलब कि एक फील आ रही है ठंड, अब सर्दी वाला सीन आ रहा है, शुक्र ये जैकेट बन गया, सर्दी थोड़ा सा सेट हो गया। अभी और फोटोशूट चल रहा है, यहाँ का जंगल ऐसा है खतरनाक हुआ है, बिल्कुल एक्चुअल जंगल है, फॉरेस्ट तो स्लिपली हो रहा है यार, पता नहीं क्यों बारिश तो हुई नहीं है। 1-2-3 कर दिया, अब एक और शूट हो रहा है, क्या हो गया की जगह है यार, तो प्यारा लग रहा है ये। ओए देखो ये टावर देखो उग जा रहा, वही देख के चलो, छोड़ दे बाप बिल्कुल ही गायब हो जाना है, बिल्कुल गायब हो जाएगा। अल्लाह तो भाई होटल वोटल पहुँच चुके हैं, चाय वाय ऑर्डर करी, चाय आके चाय वाय पीते हैं, और भी यार चाय पीने का बहुत ही झड़ता, और सुबह से नींद सोया सिर्फ 1.5 घंटे के लिए सोता थी, खतरनाक वाली नींद आ रही है, जैसे मैं नहीं हूँ अंदर। हाँ सही है ना, मेरी चाय कौन सी? तो भाई घर होटल पहुंच के थोड़ी देर की नींद ले ली थी क्योंकि रात से बिल्कुल कुछ मतलब एक आधे घंटे 2 घंटे के लिए सोते ज्यादा से ज्यादा, तो थोड़ी देर सो गए, 1-2 घंटे का पावर नैप ले लिया, अब थोड़े से फ्रेश हो गए हैं, अब फ्रेश होकर बस अभी चलते हैं डिनर का टाइम, अब डिनर करने चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने को अगर मिलता है यहाँ से। खैर रौनक वाली रौनक ही रौनक इस तरफ सारा, वो भी मैं आप लोग को दिखा दूंगा इसका नाइट वॉक,
फिलहाल मेरा आज अभी का आउटफिट मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस मैंने ये जैकेट चेंज कर ली तो निकलते हैं। ये है गाइस फ्राइड राइस और चूरियन तो भाई अभी हो रहे हैं 1 बज रहे हैं और हम खाना खा के वापस आ चुके हैं। और भाई मैं आपको बता नहीं सकता मुझे इतनी शदीद नींद आ रही है। मैं अभी खैर व्लॉग एंड करने का मैं एडिटिंग करूँगा, एडिटिंग करने का इंशाल्लाह 4-3 बजे तक मेरा व्लॉग अपलोड आएगा, तो वाला व्लॉग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला जो आगे व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह आप वो भी ज़रूर देखेगा। तो भाई बहुत हम इंशाल्लाह बहुत मज़े करने वाले हैं, इंशाल्लाह अभी बहुत सारी चीज़ें हैं बाकी हैं। तो बस व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह, ओके बाय बाय टाटा सी यू।